तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कैसे करते हैं, उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हमने ज्ञात किया था। तो ये रहा पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ टर्म। अभी के लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा रजिस्टर्स तब उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी के लेक्चर में देखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहने का क्या मतलब हुआ, आप समझिए कि मान लें कि एक रजिस्टर हुआ, ये कोई दूसरा रजिस्टर हुआ, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर वन, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर टू, और एक कोई तीसरा रजिस्टर ले लीजिए जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या आर थ्री। ये तीनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे, जब तीनों का इंड, तीनों रजिस्टर का एक इंड एक कॉमन पॉइंट पे जाके कनेक्ट होगा। जैसे कि ले जाइए इसे आप, और एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करें, एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, फिर ये तीनों का एक इंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, देख रहे हैं ये दो जो हो गए ए और बी क्या हो गया कॉमन पॉइंट। सभी रजिस्टर्स के फर्स्ट इंड पहला छोर जो है वो इंड ए, कॉमन इंड ए पे कनेक्ट है, और सभी रजिस्टर्स के दूसरा अदर इंड जो है वो कॉमन पॉइंट बी पे कनेक्ट है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो गौर करने का बात क्या है कि रजिस्टर्स का वन इंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए और अदर इंड जो है वो भी एक कॉमन पॉइंट पे, तब हम इन्हें हम कहेंगे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे इसको डील कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स इसके जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता। ऐसे इसके ढेर सारे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पहले इसे कंप्लीट तो होने दीजिए। अब इसे हम सर्किट में लाया जाए, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसे हम सर्किट में कनेक्ट कर दिए, सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। ये रहा बैटरी, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिए भी। अब गौर करने का बात क्या है कि जैसे कि इसे सर्किट में ये सोर्स से कनेक्ट किए तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो करंट का दिशा ये होगा, देख पा रहे हैं आप, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, पॉजिटिव से करंट यहाँ आया आई। अब करंट को यहाँ तीन रास्ते मिलेंगे, अब तीनों रास्ते में करंट फ्लो होगा, अब करंट किसमें ज्यादा फ्लो होगा किसमें कम फ्लो होगा वो निर्भर किस पे करेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू पे। अब तीनों में जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा करंट वहां से ज्यादा फ्लो होगा। तो मान लीजिए कि ये करंट तीन रास्ते में जा रहा है, तीन पार्ट में बट गया, ये हुआ आई वन, ये हुआ आई टू, और ये हुआ आई थ्री। तीन रास्ते में करंट जाने लगा, तीनों तीन रास्ते हैं, देखिए ये करंट इधर से भी जा सकता है निगेटिव टर्मिनल पास, इधर से भी जा सकता है निगेटिव टर्मिनल पास, इधर से भी जा सकता है। तो करंट को देख रहे हैं हम लोग कि कितने रास्ते मिल रहे हैं, तीन रास्ते हो गए। अब बाहर निकलेगा तो फिर तीनों बाहर निकलेगा, तीनों मिलकर क्या हो जाएगा आई, यही आई तीन पार्ट में बटा था यहाँ तीन रास्ते में, फिर तीनों रास्ते से बाहर निकलेगा तो यहाँ आई लौटेगा। देखिए करंट का जो मैकेनिज्म है वो यही है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला आई तो यहाँ लौट कितना रहा आई करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यदि बात करें तो यहाँ ये तो कॉमन पॉइंट है तीनों के लिए और ये भी कॉमन पॉइंट है तीनों के लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, तो बच्चों पहला का दूसरा का और तीसरा का ये तो कॉमन पॉइंट है तीनों के लिए और ये भी कॉमन पॉइंट है तीनों के लिए, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वोल्टेज जो होगा सो क्या होगा सेम होगा बराबर होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट दो तीन बातें क्या क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, जब तीन जब तीन या तीन से अधिक या जितना भी रजिस्टर्स हो सभी रजिस्टेंसेस का वन इंड जो होंगे वो कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, अदर इंड जो होंगे वो भी कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे, पहला बात। दूसरा बात, तीन जितने भी रजिस्टर्स होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी को करंट अलग अलग प्राप्त होगा यदि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो। तीसरा बात कि पैरेलल में जोड़े हुए रजिस्टर्स का वोल्टेज सेम होता है, ठीक। अलग से एक लेक्चर, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे
पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या है, कैसे मेजर करेंगे, उसमें फिर बताएंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, उसका वीडियो अलग से एक दो वीडियो के बाद आएगा। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इधर आइए, लिखना होगा तो लिखेंगे हम आर वन आर टू आर थ्री, ये क्या हो गया, तीनों तीन रेजिस्टेंस हो गए और ये तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये क्या हो गया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या हो गया, टोटल करेंट थ्रू द सर्किट, ये हो गया टोटल करेंट थ्रू द कॉम्बिनेशन, ये चीज हो गया टोटल करेंट। अब उसके बाद जो हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिद्धांत क्या है कि यहां जो होगा सो वोल्टेज जो होगा सो सेम होगा, यानी कि भी जो होगा सो सर्किट क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस द जितने भी रजिस्टर होंगे सभी का वोल्टेज जो होगा सो सेम होगा। मान लो I1 पहला का करंट हुआ, I2 दूसरा का करंट हुआ, I3 तीसरा का करंट हुआ, ओम का नियम लगाइए तीनों का करंट ज्ञात करें हम, ओम का नियम लगा के तीनों का करंट ज्ञात करें, तो ओम का नियम में हम क्या पढ़े थे, ओम का नियम में पढ़े थे V बराबर I R, I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, यहां हो गया V बटे R, V बटे R, यहां हो गया V बटे R, तो यहां V हो गया वोल्टेज, तीनों में तो सेम है रेजिस्टेंस अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं ओम का नियम लगा के मैंने तीनों रजिस्टर्स के करंट को कैलकुलेट किया, इसका करंट I1, इसका करंट I2, इसका करंट I3। आप गौर करिएगा सीरीज में जब हम बता रहे थे कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहां V1, V2, V3 कैलकुलेट किए थे क्योंकि वहां वोल्टेज बट रहा था इसलिए V1, V2, V3 निकाले थे, और यहां चूंकि करंट बट रहा है इसलिए करंट निकाल रहे हैं I1, I2 और I3। अब जो है यहां ये तीनों करंट जो है, ये तीनों करंट मिलकर टोटल करंट बनाएगा आई, तो टोटल करंट आई बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम का नियम लगाइए तो ओम का नियम में आई बराबर V बटे R, यहां हो जाएगा V1 नहीं चूंकि वोल्टेज सबका बराबर है, यहां हो जाएगा V बटे R2, यहां हो जाएगा V बाई R3। अब ये R1 समझ पा रहे हैं कि क्या है, पहला रजिस्टर का रजिस्टेंस, दूसरा का रजिस्टर का रजिस्टेंस, तीसरा रजिस्टर का रजिस्टेंस, ये R क्या है, ये R हो गया R बेस P, P फॉर पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। भी कॉमन लेके आप एलिमिनेट कर देंगे तो मिलेगा क्या रिजल्ट, 1/R बेस P इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R बेस P जो है ये क्या है, यही तो हम निकाल रहे थे बच्चों, इस सर्किट में जब तीन रजिस्टर पैरेलल में जोड़ा गया तो वो तीनों रजिस्टर मिलकर कितना विरोध करेगा उसी को कहेंगे R बेस P, इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने के बाद उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसी को हम कहेंगे R बेस P। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/R बेस P नहीं चाहिए, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, R बेस P। यदि पांच रजिस्टर दिया है, पैरेलल में दिया हुआ है, पांचों को सॉल्व करना है तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा, 1/R/4 प्लस 1/R/4 इस तरह करके होगा, है ना, इस तरह करके सॉल्व करेंगे तो R बेस P निकालना है, 1/R P नहीं, इसको निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ रजिस्टर्स N बहुत ज्यादा संख्या में होता, 4N रजिस्टर्स, N कोई बहुत ज्यादा संख्या है, यहाँ N रजिस्टर्स इन पैरेलल, N रजिस्टर्स इन पैरेलल, यदि N रजिस्टर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा, RP। ध्यान रखें ये इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/R1 1/R2 1/R3 ये रिजल्ट कहां तक जाएगा, 1/R बेस N तक आपको रिजल्ट ये प्रदान करेगा। तो गौर करने की बात जो है वो जितना भी पैरेलल रजिस्टर होगा सबको इस तरह जोड़ेंगे। अब नोट करने का बात क्या है, सो नोट करिए आप, इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो है वो पूरा इतना बड़ा टॉपिक का जो कंक्लूजन है सो देखिए। सबसे पहला बात कि जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे, जब रजिस्टर्स को हम
पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सबसे पहला बात होगा वोल्टेज सभी को सेम मिलेगा, करंट सभी को डिफरेंट हो मिलेगा, करंट सभी को डिफरेंट मिलेगा। करंट किसको कितना मिलेगा वो निर्भर करेगा रेजिस्टेंस पे। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा मिलेगा। नंबर फोर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी कि जितने भी एक एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हुए हैं सभी के व्युत्क्रम को आपको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। ये निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नंबर पांच, सबसे गौर करने का बात जो है वो आर बेस पी जो आएगा, पूरा नेटवर्क को सॉल्व करने के बाद जो नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आर बेस पी जो होगा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा मतलब क्या, आर वन से भी, आर टू से भी, आर थ्री से भी और आर बेस एन से भी, और स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी स्मॉलर होगा, यानी कि ये क्या होगा, स्मॉलर से भी स्मॉलर होगा, स्मॉलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही।